मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरे वीडियो सबसे पहले देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम समय में वेज मंचूरियन। इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिया है 225 ग्राम के बराबर पत्ता गोभी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक छोटी कटोरी मैंने लिया है गाजर के, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। और एक बड़े साइज की शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। प्याज और शिमला मिर्च डालने से जो मंचूरियन की बॉल्स होती है बहुत सॉफ्ट बनती है। और इसके लिए मैंने लिया है 125 ग्राम के बराबर मैदा, इसको आप उतना ही डालो जितने में ये बॉल्स बन जाएं, मतलब सारी सब्जियां बाइंड हो जाएं। ये तो हो गई बॉल्स के लिए। अब हमारी ये सब्जियां हैं जो ग्रेवी में यूज करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक हरी प्याज, और मैंने थोड़ी सी लिया है यहाँ लहसुन, और तीन हरी मिर्च, एक बड़े साइज का गाजर, चार पांच बीन्स लिया है, इसको मैंने बड़े बड़े साइज में काट लिया है। और इसके लिए हमें किसी सॉस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला बहुत कम समय में बनेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है नॉर का मंचूरियन मसाला, ये है नॉर का। मैंने चिंग से भी बनाया है, सॉस के साथ भी बनाया है, बट नॉर का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है। तो आइए बनाते हैं मंचूरियन, आइए बना लेते हैं अपनी मंचूरियंस के बॉल। इसके लिए मैंने जितनी सारी सब्जियों को फाइनली चॉप किया है वो सब डाल लेते हैं। मैंने प्याज और शिमला मिर्च से पानी निकाल लिया है। अब गाजर को डाल लेते हैं, पत्ता गोभी डाल लेते हैं अपना, और इसमें मैंने छोटी टीस्पून के बराबर डाला है काली मिर्च, और एक टेबलस्पून डाला है नमक, और मैदा हम अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने बताया जिस तरह से कि ये जितने में बाइंड हो जाए उतना डालना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है हमें मैदा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये बॉल बन रही हैं। तो आइए अब इसके बॉल्स बना लेते हैं और एक प्लेट पे रख लेते हैं। प्लेट पे पहले से थोड़ा सा मैदा ऐसे छिड़क दे ताकि ये चिपके नहीं, और इस बॉल को अच्छे से बना लेते हैं। देख पा रहे हैं हमारी सारी सब्जियों के बॉल्स बन चुके हैं, करीबन उतनी सब्जियों में 15 से 16 बॉल्स बने हैं। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन, और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल के इसे हल्का गर्म कर लिया है, और इसका फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही रखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना है, नहीं तो सब्जियां ऊपर से तो ये बॉल्स पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अब सारे बॉल्स को एक एक करके डाल लेना है और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, और इसको बड़े आराम से चलाएं वरना ये बॉल्स टूट जाएंगी। बीच बीच में इसे आप चलाते रहें ताकि ये दोनों साइड से डीप फ्राई हो जाए, और एक साइड से ऐसा ना हो पक जाए और दूसरे साइड से ना पके, तो इसे बीच बीच में पकाते रहें, हिलाते रहें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे सारे बॉल्स डीप फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर लगा के निकाल लेते हैं, आराम से निकालिएगा, ये गर्म होते हैं बॉल। सारे बॉल को एक एक करके निकाल लें। हमारी मंचूरियन की बॉल्स तो सारी बन चुकी हैं, आइए अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसको मैंने थोड़ा हीट कर लिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल डालूंगी, जब ये हल्का गर्म हो जाए, जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम 1/2 चम्मच के बराबर जीरा डाल देंगे। जीरा जब फ्राई हो जाए
तो इसमें हम डाल देंगे अपनी कटी हुई लहसुन और कटी हुई मिर्च। लहसुन इसको थोड़ा ज्यादा मैंने रखा है और इसको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना होता है। जैसे ही ये हल्का थोड़ा सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए प्याज, अपनी कटी हुई शिमला मिर्च। फिर इसको अच्छे से एक मिनट तक पका लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाए एक मिनट के बाद फिर इसमें हम अपनी बाकी की सब्जियां और डाल देंगे। जैसा कि एक मिनट हो चुका है अब इसमें हम अपनी बाकी की सब्जियां जैसे कटी हुई बीन्स, कटी हुई गाजर डाल के अच्छे से पका लेते हैं। इसको भी करीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इस पे हम अपनी लिड लगा के 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं तब तक आइए हम इसका मसाले का घोल तैयार कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया मैंने नॉर का मंचूरियन मसाला लिया है। अब इसको काट के एक बाउल में ऐसे ट्रांसफर कर लें और इसमें करीबन 1 कप पानी डाल के इसका अच्छे से घोल तैयार कर लें। ये जब आप डालोगे सब्जियों में तो ये गाढ़ा हो जाएगा, इसमें और पानी जाएगा, लेकिन अभी इसका घोल हमें तैयार करना है अच्छे से। इसमें कोई भी गुठलियां ना हो, मसाले अच्छे से तैयार हो जाए। आइए अपना नजर आ के देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना कटा हुआ पत्ती की प्याज। इसको ज्यादा टाइम पकाना नहीं है, इसको डाल के ऐसे मिक्स कर लेना है। और ये हो चुका है। अब हमें इसमें जो मंचूरियन का हमारा घोल है नॉर का ये डाल देना है। और इसको अच्छे से पका लेना है हिलाते हुए। इसमें मैंने बताया था कि और पानी डल जाएगा तो मैं इसमें 1 कप और पानी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से पका लें लिड लगा के करीबन 5 से 7 मिनट तक। आइए देख लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 4 से 5 मिनट में हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि इसके मसाले में भी नमक होता है और मैंने अलग से कुछ यूज नहीं किया है ये। अब इसमें मैंने अपने सारे बॉल्स डाल लेने हैं एक एक करके। और बॉल्स डालने के बाद मैक्सिमम 2 मिनट तक इसको लिड लगा के पका लेना है। उसके बाद हमारा मंचूरियन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा सर्व करने के लिए। इसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक हमें और पकाना है। जैसा कि देख पा रहे हैं 2 मिनट में हमारी मंचूरियन बहुत अच्छे से पक गए हैं और ये प्लेटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी मंचूरियन बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।